यहाँ के सांसद जरूर हैं लेकिन पब्लिक के बीच में आज तक आए नहीं हैं। ये नहीं देखते भाई क्या परेशानी है, बिजली की परेशानी है, रोड की परेशानी है, आज तक आकर के देखा नहीं है उन्होंने यहाँ, तो इसलिए लोग उनसे बड़े रुष्ट चल रहे हैं। कैसा काम हुआ है, विकास वगैरह कुछ हुआ है? भाई विकास कुछ नहीं है जी, जो कभी अब से 10 साल पहले हो गया मायावती के शासनकाल में वही है। महेश शर्मा जी को देखा है कभी आपने प्रचार? देखा ही नहीं है जी, हमने आज तक गांव में देखा ही नहीं है महेश शर्मा, आज देखे कौन सा नाम कैसे ये कौन सा गांव है। क्या बोल रहे हैं? नाली दिख रही है आपको वहां से? वहां पर वो पानी लगा बड़ा खड़ा है, विकास हो रहा देख लो। नहीं यहाँ नहीं हुआ कुछ भी, महिला यहाँ की औरत बेचारी जंगलों में काम कर लो जरा मरा कर लो, तो यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं है महिलाओं के लिए, कुछ नहीं काम यहाँ। तो माहौल क्या है वहाँ के सरकारी, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर आते हैं समय पर? टीचर आते हैं पर उसमें बच्चों का ध्यान नहीं रखते। हम लोग ग्रेटर नोएडा के थापखेड़ा गांव में मौजूद थे, जहाँ पर हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। हमने सोचा कि चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर थापखेड़ा गांव में क्या विकास हुआ है। इस सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है महेश शर्मा को, जो कि मौजूदा समय में सांसद भी हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद के पद पे तैनात हैं। साथ ही में बीएसपी ने अब की बार राजेंद्र सोलंकी जी को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने उतारा है महेंद्र नागर को। बात करते हैं इस सीट के बारे में कि आखिर थापखेड़ा गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इन 5 सालों में, 10 सालों में बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं महेश शर्मा, कितनी बार इन लोगों ने देखा है उन्हें और क्या लगता है कि अब की बार दोबारा तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। पहले तो आप विकास, अगर हम मैंने अभी बोला कि विकास मैं आपको बता रही हूँ, तो एक बार आप ये देखिए ज़रा, हालांकि हम ये बात मानते हैं कि ये गांव का इलाका है, गांव है ये, यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गंदगी चरम पर है एकदम। पीछे की तरफ हमारी रोशनी तक ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे भयंकर गंदगी है, कूड़े का पहाड़ है अगर हम कुछ आगे तक चले जाएँ, क्योंकि उसकी बदबू जो है मुझे यहाँ तक महसूस इस वक्त हो रही है। चलिए पहले लोगों से बातचीत करते हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वोट करेंगे और क्या सोचते हैं सांसद के बारे में, क्या काम किया है, ऐसे तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। महेश शर्मा जी को जानते हैं आप? बहुत अच्छी तरह से। कैसे? से हमारे यहाँ सांसद रहे हैं। अच्छा। और आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ के सांसद जरूर हैं लेकिन पब्लिक के बीच में आज तक आए नहीं हैं। ये नहीं देखते भाई क्या परेशानी है, बिजली की परेशानी है, रोड की परेशानी है, आज तक आकर के देखा नहीं है उन्होंने यहाँ, तो इसलिए लोग उनसे बड़े रुष्ट चल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। कैसा काम हुआ है, विकास वगैरह कुछ हुआ है? भाई विकास कुछ नहीं है जी, जो कभी अब से 10 साल पहले हो गया मायावती के शासनकाल में वही है, आज तक नहीं है विकास कुछ भी। अच्छा, मायावती ने अपने प्रत्याशी को उतारा हुआ है सोलंकी जी, राजेंद्र सोलंकी जी। हाँ, क्या लगता है वो जीतेंगे महेश शर्मा के टक्कर में? नहीं देखो फिलहाल कह नहीं सकते, वैसे फाइट में है, तीनों के बीच फाइट है, क्योंकि महेंद्र नागर है उनका भी जो काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और ये पुराने सांसद हैं और राजेंद्र सोलंकी का भी अच्छा हुआ है, तो फाइट है वैसे तीनों की, किसी के लिए नहीं कह सकते। अच्छा। तो ये बताइए प्रधानमंत्री पद पे आप किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री पद पे तो अगर राष्ट्रहित में देखते हैं तो उसमें तो उसी को देखते हैं, मोदी को ही देखते हैं। देखिए अब सांसद जी ने काम नहीं करा है तो किस वजह पे आप उनको वोट डालेंगे फिर बीजेपी को, अगर आप वोट डालते हैं? नहीं डालेंगे जी, इस बार जो किसको देंगे फिर? क्या सोचते हैं अब जो क्षेत्र के बारे में, हमारे विकास के, किसानों के, मजदूर के बारे में जो सोचेगा उसी तो दिया जाएगा। तो आज तक किसान बेचारे जो धंधे पे बैठे रहते हैं उठा देते हैं आश्वासन दे के, आज तक आज 6% भी नहीं लगी है, बहुत पहले जो चली गई है जमीन यहाँ की, तो इसलिए सभी परेशान है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर, कामकाज कैसा कर रहे हैं? महेश शर्मा जी को देखा है कभी आपने प्रचार? देखा ही नहीं है जी। अच्छा। हमने आज तक गांव में देखा ही नहीं है महेश शर्मा, आज देखे कौन सा नाम कैसे ये कौन सा गांव है। अच्छा, जानते हैं आप उनको पहले से कि वो सांसद हैं? हाँ जी। तो मतलब आपको ये पता कभी देखा ही नहीं? नहीं देखा जी। चुनावी प्रचार में भी नहीं आए? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। विकास कैसा हुआ है फिर यहाँ? विकास तो हो ही नहीं रहा,
विकास नहीं हुआ कुछ भी। क्या बोल रहे हैं? नाली दिख रही है आपको वहाँ से, वहाँ तक वो पानी अगर भरा खड़ा है, ये विकास हो रहा देख लो। समस्याएं हैं क्या फिर यहाँ पर? हाँ समस्या सारी है देख लो ना, वहाँ पानी भर रहा है, नाली टूटी पड़ी सारी वहाँ से वहाँ तक। ये कुछ हाँ कुछ कराते ही नहीं है तो कुछ नहीं करते। नाम है नाम महेश शर्मा जी। हाँ हाँ बस हॉस्पिटल वाले हाँ काम नहीं करवाते कुछ भी। क्या लग रहा है फिर अब की बार जीतेंगे दोबारा? अब देखो जी पब्लिक के हाथ में बात है, अगली बार नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। आप बड़े परेशान लग रहे हैं, मतलब परेशान नहीं, अगली बार जीतने के नहीं है, नहीं परेशान इसलिए लग रहे हैं कि जब भी जिक्र आ रहा है महेश शर्मा जी का तो आप बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं कि सच में कोई काम नहीं है, अब जनता परेशान हो गई है ऐसा लग रहा है। परेशान है जी, पब्लिक परेशान है, जो काम होना चाहिए। बिजली तो देखो अभी आ नहीं रही है, तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। कितने घंटे आती है बिजली? बिजली ऐसी आती है 12-14 घंटे, 12-14 घंटे लाइट आती है। आगे देखो बिजली का नाम लिया और बिजली हाजिर, बिजली आ रही है। पानी साफ आता है? पानी तो हैंडपंप का पी रही है। क्या पानी की सप्लाई नहीं है अभी यहाँ? हाँ हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तो बिजली दोबारा चली गई, बिजली दोबारा भी चली गई, ये भी देख लीजिए तरह की आती है जी, परेशान है बिजली से भी। हाँ यानी 24 घंटा की कर रखी है लेकिन आती है वही 10-12 घंटा, और उसमें भी लोग बाग बड़े परेशान। कोई ध्यान देने वाला नहीं है क्या ये सब समस्याओं पर? ध्यान ना कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये बताइए सुरक्षित हैं आप? अगर निकले कभी कुछ काम काज कुछ हो? कुछ भी काम कुछ नहीं, यहाँ तो जंगलों का कर लो जी, यहाँ कुछ काम नहीं है। अच्छा यहाँ नहीं है कुछ? जंगली जंगल है, कोई विकास नहीं हुआ कभी? नहीं यहाँ नहीं हुआ कुछ भी। महिला यहाँ की औरत बेचारी जंगलों में काम कर लो, जरा मरा कर लो, तो यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं है महिलाओं के लिए, अभी कुछ नहीं है काम यहाँ। काम करते हैं आप? क्या काम करते? हम तो भैंस रखते हैं जी। हम जहाँ खुद करें जंगल बाहर काम करें, ऐसा ना जैसा घरों में कोई काम हो जावे, कोई कंपनी वगैरह कोई छोटा मोटा काम अपना कर ले। मैं औरत वाली घर में नहीं है ऐसा काम कोई, जो जंगल का कर ले कर ले, जो घर में रहती है वो ठाली रहती हैं, सावत दिन ठाली रहती हैं वे, परेशान हैं हम कहने लगे। ऐसा ना घर में जैसे हमारे 2 लड़की हैं, चलो घर में 2 बहू हैं काम कर लें, थोड़ा बहुत काम हो, नहीं है जी ऐसा काम कोई नहीं है घर में काम, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। कोई बाहर ही जाओ ड्यूटी करने स्कूलों में करो ना, तो नहीं कुछ नहीं। मोदी जी को जानती है? मोदी जी को जानते हैं मोदी जी, क्यों नहीं ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी? देखो जी पब्लिक के लिए तो सब सही बता रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा ये बताओ, छोड़ो पब्लिक के, आप अपना बताओ, आपको आप संतुष्ट हैं उनके काम से? जब सब संतुष्ट है तो हम भी हैं भैया, हम तो सबके साथ ही हैं। योगी जी को जानती हैं? हाँ नाम सुना जानते उनते तो ना, खैर नाम ही सुना योगी जी। हाँ दुनिया क्या दुनिया भर की महंगाई हर चीज पे। अच्छा, गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? सब तरह से गरीब की हुआ। हाँ। सब तरह से गरीबी मारे जामे और क्या है। अच्छा। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? योगी जी ठीक है जी, क्योंकि हाँ उन्होंने क्योंकि पहले जंगल राज जी समझो एक तरह बदमाशन को बोलबाला है, तो उसमें काफी कमी आई है। अब पहले लोग बाग बाहर निकलते हुए डरे रहे, लेकिन अब निर्भीर होकर के और घूमते हैं। अब जो क्या लगता है आपकी बार जीतेंगे महेश शर्मा? फिर आपके शर्मा जीते जी नहीं जीतेंगे? मोदी जी का काम कैसा है? मोदी जी काम बढ़िया जी। हम पढ़ते थे बिहार में, पर अब हट के। क्यों? वो फीस को सुबह हम जाते थे वो फीस मांग लेते थे। अच्छा तो फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? बस। पापा क्या काम करते हैं? इधर बैठो। पापा काम करते हैं? हाँ। फायर का। मम्मी घर पे रहते हैं। कितने भाई बहन? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। कोई सरकारी स्कूल नहीं है क्या? सरकारी है। है तो माहौल क्या है वहाँ के सरकारी स्कूल का? बच्चे पढ़ते हैं, टीचर आते हैं समय पर? टीचर आते हैं पर उसमें बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। कौन सी क्लास में? थर्ड में, अब फोर्थ में आ गए। साफ सफाई है गांव में? गांव में है, इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। सरकारी स्कूल है यहाँ पर? ये रहना सामने। टीचर्स आते हैं टाइम पर? टीचर तो टाइम पे आते हैं पर पढ़ाई नहीं है बढ़िया। 5वीं तक का स्कूल है। अब बताओ लड़की, लड़के तो चले भी जाओ, लड़की कैसे जाओ दूसरे गांव में बताओ।
तो पांचवी से ऊपर का कोई स्कूल नहीं है फिर? ना, सरकारी स्कूल प्राइवेट है, महंगे महंगे स्कूल है सरकारी, गरीब आदमी क्या करे। अभी बताओ कि अब जिसको पढ़ाना होगा फिर पांचवी से ऊपर वो कहाँ पढ़ाएगा? ये बताओ कहाँ, इधर आओ। कौन सी क्लास में हो? सेकंड में हो। टीचर आते हैं स्कूल में पढ़ाने? क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर, ईवीएस, मैथ। तो सब पढ़ाते हैं, आते हैं टाइम पर आते हैं? आप इनकी मम्मी हैं? इधर आइए। देखा है महेश शर्मा को, जानती है? नहीं, मैं नहीं जानती। हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, रेंट पर रहते हैं, इसलिए हम नहीं जानते। कहाँ से, बाहर से कहाँ से? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से, हाँ। बुलंदशहर से। योगी जी को जानती है? हाँ जी। क्या है वो? अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है, हाँ। काम करा है उन्होंने आपके लिए? सुनते हैं आपकी बात, सुनते हैं। नहीं, अभी हमारे लिए तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने सब जगह जगह, मोदी नगर में मेरी ससुराल है, वहाँ पे सबके घर बन चुके हैं, सबके फॉर्म भरे गए थे, सबके पैसे आए थे, हमारा तो अभी तक भी नहीं आया। अच्छा, हाँ, हमारा तो हुआ नहीं है, हमारे तो ऐसे कोई काम हुआ नहीं है। मोदी जी को जानते हैं? हमारा कोई राशन कार्ड है? अच्छा। नहीं, कुछ है? कोई कार्ड नहीं है। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड है आपके? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। उज्ज्वला योजना का जो लाभ है वो उठाते हैं? नहीं, वो भी हमें कुछ नहीं मिला। सबके हम फॉर्म भर चुके हैं पर हमारा नंबर नहीं आता। मोदी जी को जानती है? मोदी जी, हाँ जानती हूँ। कैसा काम कर रहे हैं वो? अच्छा काम करते हैं सबके लिए। वैसे तो जिनका नंबर आ जाता है उनको सब चीज़ मिली है, मगर हमारा नंबर नहीं आया है या कैंसिल हो गया, कुछ भी है तो हुआ नहीं है हमारा। अच्छा। हाँ, वैसे उन्होंने सबको दिलाया है, मिला है सबको, राशन कार्ड भी मिला है, गैस सिलेंडर भी मिले हैं, राशन भी मिलता है, फ्री भी मिला है, पैसे भी डाले हैं खातों में, मगर मेरे तो आज तक भी नहीं आए हैं। ठीक है, हम ग्रेटर नोएडा के थापखेड़ा गाँव में मौजूद थे, जहाँ पर हमने चुनावी चर्चा करी। यहाँ पे लोग बड़े परेशान दिख रहे थे, हमने उनसे पूछा भी कि आखिर समस्याएं क्या क्या हैं, तो समस्याओं का अंबार इन्होंने मुझे बता दिया है कि यहाँ पे इतनी समस्या है कि बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि स्कूल की जो शिक्षा है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और पहली बात तो ये है कि महेश शर्मा जी जो यहाँ पर मौजूदा समय में सांसद हैं, उनको इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। विकास तो दूर की बात है। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता भी यही कहना चाहेगी कि थोड़ा ध्यान दें इनके ऊपर भी। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, ग्रेटर नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।